तो कैसे हैं दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप और भी ज़्यादा अच्छे होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेहत जो है वो हमेशा सही रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल का नाम है लर्न कुछ नया, यानी कि हम यहाँ पर रोज वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ नया आपको सिखाते रहते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त अमरीक। तो चलिए वीडियो को करते हैं जल्दी से जल्दी स्टार्ट। तो गाइस, आज सुबह ही मुझे मेरे दोस्त का फोन आया कि भाई मैं अपना ना यूट्यूब चैनल खोलने वाला हूँ। तो मैंने कहा भाई अच्छी बात है भाई, अगर तू अपना यूट्यूब चैनल खोलेगा। तो उसने कहा कि मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ, कैसे वीडियो बनाऊँ, कौन सा DSLR, ये चीज़ें, मतलब खर्चा कितना आएगा, ये चीज़ें उसने मुझे पूछी। तो मैंने जो उसको एक्सप्लेन किया वही चीज़ मैं आज आपको भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात आ जाती है कि हमने अपना यूट्यूब चैनल जो है वो खोलने का आपके अगर दिमाग में ख्याल आया है तो बहुत ज़्यादा अच्छा आया है। क्योंकि अगर आपको घर अभी से आपको अर्निंग की बात आती है आपके दिमाग में कि मैंने अर्निंग करनी है, मैंने पैसा कमाना है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आप लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो खैर, अब बात कर लेते हैं हम अपने टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि हमने अपना चैनल चलो ओपन करने की सोच ली है कि हमने अपना चैनल बनाएंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग ये क्या करते हैं कि उनके दिमाग में तो बात आ जाती है कि हम अपना चैनल खोलेंगे भाई, लेकिन बाद में उनके दिमाग में आती है कि भाई वीडियो कैसे बनाएंगे, किस से शूट करेंगे, हमारी एडिटिंग कैसे होगी, लाइट वगैरह ये सभी चीज़ें हम कैसे मैनेज करेंगे। तो गाइज, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप उसी काम को चूज़ करिए जिस काम को करने में आपको मज़ा आ रहा है। जैसे कि मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो मैं टेक्निकल वीडियोज़ बनाता हूँ, तो मुझे टेक्निकल वीडियोज़ बनाने में मज़ा आता है और जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, उनको भी मज़ा आ रहा है। तो हमारा मेन मोटिव, अगर हम यूट्यूब चैनल खोलते हैं तो हमारा मेन मोटिव ये होता है कि मुझे मज़ा आए और जो मेरी ऑडियंस है, यानी कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनको भी मज़ा आए, मेरी वीडियोस देखने में मज़ा आए उनको और वो थोड़ा सा हंसें। तो इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको डांसिंग आती है तो आप डांसिंग की वीडियो बनाएं, सिंगिंग आती है, कुकिंग आती है, जो भी आपको मतलब काम करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, आप उस प्रोफेशन को ही चूज़ कीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट के बारे में। तो दूसरा पॉइंट है कि चलिए हमने अपना भाई यूट्यूब चैनल मैंने ओपन कर लिया है, मैंने इस ये टॉपिक चूज़ कर लिया कि मैं इस टॉपिक के ऊपर ही वीडियोज़ बनाऊँगा, लेकिन अब बात आ जाती है कि मैं वीडियो किस तरीके से शूट करूँ, यानी कि किस चीज़ से शूट करूँ। तो सभी लोग कहते हैं, सभी लोग की पहली होती है कि मैं DSLR खरीदूँ। तो भाई, शुरू से पहले ही इतनी इन्वेस्टमेंट करने की क्या ज़रूरत है, पहले आप कम इन्वेस्टमेंट करें, जब आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाए तब आप बड़ी इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। तो सबसे पहले, जैसे कि आजकल के टाइम में सभी के घर हाथ में स्मार्टफोन होते हैं, तो आप सभी को पता है कि आजकल के जो स्मार्टफोन है उनकी कैमरा क्वालिटी कितनी बेस्ट है। तो सबसे पहले आप अपने स्मार्टफोन से ही वीडियो को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कीजिए, फिर जब आपको अर्निंग हो जाए तब आप DSLR खरीद लीजिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि हमने अपनी वीडियो, तो चलिए हम सोच लिया कि हमने अपनी वीडियो जो है अपने कैमरा से रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन अगर आपकी ऑडियो जो है वो क्लियर नहीं होगी तो सामने जो आपकी वीडियो देख रहा है उसको मज़ा नहीं आएगा। तो आगे से अगर आपकी वीडियो उसके सामने आएगी तो वो नहीं देखेगा भाई, उसको लगेगा कि जैसे पिछली वीडियो के अंदर ऑडियो सही नहीं थी, इसी में भी अंदर नहीं सही होगी ऑडियो। तो सबसे पहले आ जाती है कि ऑडियो आपकी बेस्ट होनी चाहिए। तो आप 100 या 200 का जो माइक आता है उसको खरीद लीजिए और उसको आप यूज़ करिए। अगर आप वो भी नहीं खरीदना चाहते कि कौन माइक लेगा यार, उसको अटैच करना चाहिए, उसको उसकी वायर को संभालना मुश्किल है, टूट ना जाए ये वो, तो सिंपली गाइस, आपके घर में जो आप ईयरफोन्स यूज़ करते हैं उसके अंदर जो माइक आता है उसकी आप हेल्प लीजिए और उसकी हेल्प से आप अपनी ऑडियो को बेस्ट कीजिए। आप अपने दूसरा, आपके घर वालों का कोई दूसरा फ़ोन होगा, आप उसको उठाइए और उसके अंदर रिकॉर्डर ऑन करिए, अपना माइक, अपना ईयरफोन उसके साथ कनेक्ट कीजिए और अपनी वॉइस को बेस्ट कर दीजिए। तो चलिए, ये तो बात होगी हमारी ऑडियो और हमारी वीडियो की, लेकिन अब बात कर लेते हैं गाइस हमारी लाइटिंग की। जी हाँ गाइस, अब बात कर लेते हैं हम अपनी लाइटिंग के बारे में। तो लाइटिंग का क्या होता है कि सभी लोग कहते हैं कि सबसे पहले सभी लोगों का क्या होता है कि भाई रिंग लाइट्स खरीद लेते हैं, 4-5 रिंग लाइट्स खरीद लेते हैं, ये सभी खरीद लेते हैं। नहीं गाइस, आप सस्ती से सस्ती एक रिंग लाइट खरीद लीजिए, आपका उसी से काम चल जाएगा। क्योंकि हम अगर कोई वीडियो बना रहे हैं तो जैसे मैं अपनी फेस कैम वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे सिंपली क्या चाहिए, मुझे अपने फेस के ऊपर लाइट चाहिए कि मेरा जो फेस है, जो मेरे हाथ है वो क्लियर दिखे, मुझे बाकी का दिखाने की जरूरत ही नहीं है कि मेरा बाकी का बैकग्राउंड क्या है ये वो, आप उसको छोड़िए, आपको सिंपली अपने फेस के ऊपर लाइट चाहिए। तो आप सस्ती से रिंग लाइट खरीद लीजिए। अगर आप रिंग लाइट नहीं खरीद सकते तो ऑब्वियसली गाइस,
आपको फ्री में लाइट्स दी जाती है ना, जो हमारी नेचुरल लाइट है वो तो फ्री है, आप उसको यूज में लीजिए और अपने वीडियो के अंदर लाइटिंग बेस्ट कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं कि जैसे हम नेचुरल लाइट को यूज कर लेते हैं लेकिन उसको कैसे यूज करें, तो गाइज आप सिंपली क्या कीजिए, आप ना अपने मतलब जो घर की विंडो है उसको ओपन कर लीजिए और कैमरे को उस, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी विंडो है और मैंने अपना जो कैमरा है इस तरीके से रख दिया और जो बाहर की जो लाइटिंग है वो मेरे फेस के ऊपर पड़ेगी और वीडियो के अंदर क्वालिटी अच्छी आएगी, तो इस तरीके से आप अपनी लाइटिंग को यूज कर सकते हैं। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कि चलिए हमने अपनी वीडियो शूट कर लिया है, ऑडियो भी उसमें बेस्ट आ गया और अभी हम उसके अंदर जो हमारी लाइटिंग है वो भी बेस्ट आ चुकी है, लेकिन नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारा जो कैमरा है वो स्टेबल नहीं है, हमारी जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा शेक कर रही है और जो भी वीडियो शेक करती है गाइस उस वीडियो के अंदर कोई भी व्यूज़ नहीं आते। आपको सस्ते ऑफलाइन या ऑनलाइन आपको सस्ता ट्राइपॉड मिल जाएंगे 500-600 के बीच में, आप उसको बाय कर सकते हैं। अगर आप उसको नहीं करना चाहते तो सिंपली 100 रुपये की सेल्फी स्टिक आती है उसकी हेल्प से वीडियो शूट कर सकते हैं। अगर आप सेल्फी स्टिक भी नहीं लेना चाहते तो सिंपली है, सिंपल है गाइस, आप अपने घर की विंडो के ऊपर अपना मोबाइल को वहाँ पर रख दीजिए और वीडियो अपनी शूट करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए गाइस अब जो मेरे दोस्त को मैंने लास्ट में जो चीज़ें बताई वो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, वो बहुत ही काम की चीज़ें हैं। तो वो है कि मेरे दोस्त ने कहा कि ठीक है भाई मैंने टॉपिक चूज कर लिया है, मैंने वीडियो भी अपने कैमरे से शूट करनी स्टार्ट कर दी है, मैंने ऑडियो भी उसमें बेस्ट कर दी है और मैंने उसके अंदर लाइटिंग भी बेस्ट कर दी है, मैंने सभी चीज़ें स्टेबल है मेरा कैमरा, और अब बात कर लेते हैं कि गाइज अब मैं अपनी वीडियो को एडिट कैसे करूं। तो गाइज अगर आप एंड्रॉयड यूज़ करते हैं तो एंड्रॉयड प्ले स्टोर के अंदर बहुत सारी एडिटिंग ऐप्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियो लेकर आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। Thank you very much.